Oh God. आंगनवाड़ी के बच्चों का खाना बनाना है, राम का टिफिन पैक करना है, कितने सारे काम ऐसे और तो मैं आज ही लेट उठना था। क्या कर रहे हो? अपने बीवी से रोमांस? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं भी सोच रही थी कि आज तुम्हें फैक्ट्री जाने से रोक लूं। बहुत दिनों से अपने पति का फायदा जो नहीं उठाता। और अब तुम ये क्या कर रही हो? अपने पति से रोमांस? प्रॉब्लम है क्या? हाँ, क्योंकि काम के लिए लेट हो रहा हूँ। क्यों? तुम्ही ने तो कहा था रोमांस करेंगे, तो चलो करे रोमांस। सिया, टाइम आ जाएंगे। सिया, क्या हुआ? कहाँ लगी? पैर में। पैर में कहाँ एग्जैक्टली बताओ मुझे। दिल में। तैयार तुम हो चुके हो, जाओ फैक्ट्री जाओ। मैं मन को देख कर आती हूँ। दाइमा। गुड मॉर्निंग दाइमा। गुड मॉर्निंग दाइमा। कहाँ जा रहे हैं आप? मन को देखने हैं। कुरानी साहब, अब आपने मन की चिंता करने की जरूरत को नहीं। कुंवर सा ने मन ने अपनाने का फैसलो किया है। रियली? कुंवर सा मन ने अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। कौन रहा? मुझे पता था कि तुम उसे अपना लोगे। कुंवर सा ने फैसलो किया है कि मन इस देश की सबसे अच्छी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगा। वहां का सारा खर्चा कुंवर सा उठाएंगे, उसे कोई तकलीफ ना होने देंगे। आप क्या कह रही हैं? हाँ सिया, उसका बोर्डिंग स्कूल जाना सबके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली उसके लिए। ताइमा, आप उसका सामान पैक कीजिए, उसको लेने आने वाले होंगे। हाँ कोर्सा। सिया, मैंने ठीक किया ना? तुम एक छोटे बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकते हो राम? या तो मेरी बात को सुनो एक बार। गुरुदेव, ये तो इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ खून कट्टे ढूंढेंगे हम। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सॉरी 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 सॉरी। उसका खून ढूंढने के लिए हमें उस डॉक्टर को ढूंढना होगा जिसने उसकी जांच की थी। हाँ सुनिए, डॉक्टर शेखावत कहाँ मिलेंगे? पता नहीं, कल रात को तो नहीं आए वो। क्यों?
कहाँ गए वो? भगवान जाने, कल महल में अनाथ बच्चे का डीएनए टेस्ट हुआ था, कुंवर सा का बेटा निकला। शायद उसी खुशी में उन लोगों ने मोटी बख्शीश दे दी हुई उन्हें और वो अपना क्लिनिक खोलने के लिए जयपुर चले गए होंगे। ठीक है, अच्छा हमें खून देना है तो कहाँ जाना होगा? पहले जाके खून की जांच करा लीजिए, बारिश की वजह से बड़ी बीमारियां फैल रही है, अगर सब सही हुआ तो खून दे सकते हैं। ओके। यही होगा वो शैतान की संतान का खून। ये लीजिए, संभालिए यह बच्चा, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है। दरअसल अनाथ है यह बच्चा, इसीलिए कुंवर सा। देख मन, अब तन्ने इनके साथ रहना है, इन्हें परेशान को नहीं करना। ले जाइए इसे। निकलिए यहाँ से, जाके कोई और बच्चा ढूंढ लीजिए, मन अभी यहीं रहेगा। एक मिनट सर। सिया, ये बच्चा इस घर में नहीं रह सकता। सिया मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसके बोर्डिंग स्कूल जाने में हम सबका भला है और इसका। कुंवरानी साहब, कुंवर साहब सही कह रहे, जिद पूरी कीजिए, जाने दीजिए बच्चे को। टाइम आप प्लीज, ये मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है, इसमें कोई तीसरा ना आए तो बेहतर होगा। एक अनजान बच्चे के लिए तुम दाई माँ को पराया कर रही हो सिया। मैं अनजान नहीं है। मैं सिया सिंह सिसोदिया, बहरामगढ़ की कुंवरानी, आज से और अभी से ये प्रण लेती है कि अब से इसकी माँ भी मैं हूँ और इसका पिता भी। इसकी पैदाइश भले ही कैसे भी हालातों में क्यों ना हुई हो, लेकिन इसकी परवरिश में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। और अगर किसी ने भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे मेरा सामना करना होगा।
आप उन्हें कहीं नहीं भेजोगे ना? नहीं बेटा, मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगी। हाँ, आप यहीं रहोगे मेरे पास। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस, ठीक है? अब मत रोइए, ब्रेव बॉयज रोते नहीं हैं। ताइमा, ये क्या कर रही हैं आप? अपना फर्ज निभा रही हूँ कुवरानी साहब। दाई हूँ मैं। इस महल के हर बच्चे को पाला है मैंने, इसे भी पालूंगी। पर आपने इस बच्चे के पीछे आपका समय बर्बाद कोनी होने दूंगी मैं। इस वक्त आपकी अहम जिम्मेदारी है राज परिवार का वारिस, क्योंकि गद्दी उसी ने संभालनी है। या गंदे खून ने ना, की बेइज्जती कर रही है। हमारा यह इरादा ना था कुवरानी साहब। खैर, आप अपना काम कीजिए, इसे मैं संभालूंगी। बस ताइमा, रहने दीजिए। इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है और इसकी देखभाल भी मैं ही करूंगी। पर कुवरानी साहब, आपकी बेटी नहीं, एक कुवरानी कह रही है आपको यहां से जाने के लिए, इसलिए जाइए यहां से। बेटा बैठो। बस बेटा, इसे रोते नहीं है। चोट 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, है ना? कुछ नहीं हुआ है। चलो, अब ऐसे रोना बंद करो। बिग बॉयज रोते नहीं है ना? चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट लेके आऊँ आपके लिए? ठीक है, आप यहीं बैठो, मैं लेके आती हूँ। कुवरसा, अब आप ही समझाइए कुवरानी साने, मारी तो वो मानेगी ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह घर को वारिस कैसे मिलेगा? मैं बात करता हूं उसे। सिया, एक मिनट, कुछ बात करनी है तुमसे। अगर किसी के बहकावे में आके तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मुझे नहीं सुनना। देखो सिया, तुमने मुझे आज तक जो कुछ बोला, मैंने तुम्हारी सब बातें मानी। ना चाहते हुए भी उस बच्चे को मैंने घर पर रुकने दिया। लेकिन रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जाते। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं तो तुम्हें भी निभानी होगी। सिया, तुम उस बच्चे की वजह से हमारा रिश्ता नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है। मन तुम्हारी गलती नहीं है राम, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके फाइन, जिम्मेदारी है और मैं उसे निभाऊंगा। लेकिन सिया, मैं
उस बच्चे की वजह से तुम्हें हमारे रिश्ते को ताक पर नहीं रखने दूंगा। बहुत मुश्किल से वापस मिली हो, किसी तीसरे को बीच में नहीं आने दूंगा। उस बच्चे को भी नहीं। मन, मन नाम है उसका। मन, मन को भी नहीं। सिया, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि मन को हमारे बीच में कभी नहीं आने दोगी। सिया, मैं बहरामगढ़ की हालत सुधारने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, हॉस्पिटल, स्कूल्स, और ये सब मैं अकेले नहीं संभाल सकता। इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, अपनी बीवी की, अपनी पार्टनर की। राम, मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन मन अभी बहुत छोटा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे आप उसकी चिंता मत करिए, हम ख्याल रख लेंगे। गुवराणी साहब, आप यह चॉकलेट उसी के लिए लाए हैं ना? लाइए, मन ने दीजिए, मैं देख के आती हूँ उसे। आप चिंता को नहीं कीजिए, मैं उस बच्चे पे अत्याचार को नहीं करूंगी। डन, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, चले काम डेट पर। पहले लंच करेंगे, फिर लॉन्ग ड्राइव। राम, लेकिन वो ओए, ये हमारी डेट है, इसमें मन तो क्या, किसी सिक्योरिटी वाले को भी नहीं आने दूंगा। गुरुदेव, आइए 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 आइए। मिल गया गुरुदेव, शैतान का खून तो सफेद ही होता होगा ना? और गुरुदेव, मन ने समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसका खून ढूंढेंगे कैसे। इस गंगा जल के छींटे पड़ते ही उस शैतानी खून से धुआं उठने लगेगा। गंगा जल ही हमें उस शैतानी खून तक पहुंचाएगा। हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं उस डॉक्टर के गायब होने के पीछे उस शैतान का ही हाथ है। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि कुंवर साहब और उस बच्चे का खून एक कैसे हो सकता है। गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंवर साहब भी शैतान है? मूर्ख, कुंवर साहब एक देव पुरुष है, उनके जैसा इंसान सदियों में एक बार जन्म लेता है,
इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज छुपा हुआ है जिसके तहत तक हमें जल्द से जल्द जाना होगा। क्योंकि असल खतरा तो कुंवर और कुंवरानी साहब पर है जो उनके साये तलब पल रहा है जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं है।